सो हे गाइस, अपने पास आ गया अरोमा के तरफ से एक नए स्मार्ट बड जिसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, NB140 फेबुलस। अभी अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मुझे 499 रुपीज़ फ्लिपकार्ट में पड़ा है, ओनली 500 रुपये के TWS है। तो आज इन डिटेल में इसको टेस्टिंग करने वाला और आपको बताने वाले क्या एक्चुअल में ये स्मार्ट बड्स उतरने वर्दी है 500 रुपये डालने से, या फिर आपको वायर्ड ईयरफोन से खरीद लेना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना क्योंकि इन डिटेल में टेस्टिंग और रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपको इसको बाय करना होगा तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो। सो बिना करते हुए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड टेस्टिंग चालू करते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा बॉक्स देखने मिल जाता है अरोमा के तरफ से जिसका नाम है, जैसे मैंने बता दिया आपको पहले, ऐसे कुछ बॉक्स देखने मिल जाता है, ऐसे कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स इधर देखने मिल जाती है, पीछे की तरफ कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। अंडर द बॉक्स आपको मिल जाता है ऐसा पोगो पिन टाइप चार्जर, जिसमें आपको मिलता है टाइप सी का केबल जिसमें आप इसको यूज कर सकते हो इसको चार्ज करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इधर मिल जाता है अरोमा की तरफ से एक नए स्मार्ट बड्स जो इन्होंने लॉन्च किए, जिसके बड्स कुछ ऐसे लुक में है, अभी मेरे को पता नहीं है हाफ इनर बोलूं इन ईयर बोलूं कि क्या बोलूं इसको, लेकिन पूरा आपको एप्पल की कॉपी लगते हैं। और इधर आपको साइड में आपको टच कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस पे आप टच कंट्रोल करके अपने गाने भी नहीं चेंज कर सकते हो। और इन ऑल अगर मैं बिल्ड फिनिश की बात करूं तो जैसे आप देखोगे ब्लैक कलर में मैंने मंगाया, इसमें अलग कलर्स मिलते हैं, पूरा ग्लॉसी है, इस पे स्क्रैचेस लग जाएंगे, टाइप सी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इधर, और हिंज क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। बाकी अगर आपको स्क्रैच से इसको बचाना है तो आपको सिंपली इसको रखना पड़ेगा। बाकी कोई भी LED इंडिकेटर इधर अवेलेबल नहीं दिखा मेरे को, तो वो है LED इंडिकेटर है लेकिन वो बहुत लाइटली दिखता है, कैमरे में ज़्यादा दिख रहा है लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। बाकी ऑल इन ऑल मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी तो इस प्राइस में ठीक ठाक लगी है, और बर्ड्स की भी क्वालिटी ठीक ठाक लगी है। और आगे इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है। सो गाइस, जैसे आपने इस स्मार्ट बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी देख ली और भाई इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ली, पूरा मज़ा आ गया। बाकी अगर मैं कॉम्पैक्टनेस की बात करूँ तो पहले बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही अच्छा फील देता है हाथ में, थोड़ा प्रीमियम बनाया गया है प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी ग्लॉसी फिनिश है, स्क्रैचेस बहुत ही भर भर के इसमें आ जाएंगे, तो ध्यान रखना अपने हिसाब से। बाकी जो इसका हिंज क्वालिटी है ना, वो मुझे बहुत से लगा, सीरियसली देखो खुलता भी नहीं है, और अगर मैं इसकी सीरियसली देखो मज़ा आ गया यार, 500 रुपये में ये मैं बोल ही नहीं सकता कि 500 रुपये के बर्ड्स है। बाकी इधर आपको टाइप सी केबल भी देखने मिल जाता है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्लिपकार्ट से मैंने अपने पैसे से मंगाया है, सीरियसली एक्चुअल में अच्छे से काम कर रहा है। बाकी इसमें जो गोल्डन स्ट्रिंग दी है ना, मेरे को थोड़ा सा ओवर लगा, सिल्वर होती तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी अगर बर्ड्स की बात करूँ तो बहुत ही कम्फर्ट है, आप आराम से इसको पहन के घंटों घंटों भर गाने सुन सकते हो। ये पता नहीं इसको हाफ इनर बोलूँ इन ईयर बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रबर बहुत छोटा सा आगे की तरफ है और मेरे को ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसको कान में डाला है कि नहीं, तो वो वाला फील है। और बाकी पूरा डिज़ाइन इसका है ना एप्पल की कॉपी की गई है, जिसमें आपको साइड में टच कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाता है एप्पल प्रो के ऐसा, तो वो एक फील है। लेकिन मेरे हिसाब से बर्ड्स बहुत ही कॉम्फी है और अच्छे से कान में बैठते हैं। अभी इसमें अगर मैं ड्राइवर्स की बात करूँ तो 10 mm के ड्राइवर्स इसके साथ देखने मिलते हैं, और जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम पर डिस्टॉर्ट होता है, क्लैरिटी की थोड़ी कमी लगी, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके ऊपर। स्टीरियो मुझे ठीक ठाक ओके सा लगा, ऐसा लगा कि आर्टिफिशियल सा है, थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन 500 रुपये में मैं क्या ही कंप्लेन करूँ। ऑल इन ऑल सब एकदम बोलते ना बैलेंस है, कुछ भी ऐसा ओवर नहीं है, अगर ज़्यादा आप ओवर करने जाओगे तो कान से फट जाएंगे, आपके कान ही फाड़ देंगे, तो वो वाला है। बाकी ऑल इन ऑल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, आराम से चला सकते हो। बाकी माइक का सेगमेंट अगर देखें तो माइक इसमें सिंगल सिंगल मिलता है, तो मैं भाई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इंडोर में आप काम चला सकते हो, लेकिन कुत्ते वित्ते भौंकते पीछे में, या फिर मॉम डैड आपको चप्पलियाँ मारती है, मेरे को भी मारती है, तब आवाज़ रिकॉर्ड हो जाता है, क्या ही बात करूँ, दिल का दर्द। बाकी बाहर अगर जाता हूँ तो भाई दोस्त लोग जो गाली देते हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, बाकी सामने वाला और अलग से गाली देता है। और अगर गर्लफ्रेंड से बात करते हो आउटडोर में, आपको गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, तो इसको यूज़ मत करना, माइक थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी बात कर लेते हैं अगर हम लोग इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, तो गेमिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग के लिए नहीं रिकमेंडेड है, लेटेंसी का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कितना भी लेटेंसी है गेमिंग में मज़ा नहीं आने वाला है, तो मैं सीरियसली बोलूँगा कि मत खरीदो। बात कर लेते हैं कि इसके बैटरी बैकअप, तो 24 घंटे की बैटरी बैकअप है, तो 24 घंटे में क्या ही मिलेगा यार। बाकी सिंगल सिंगल ईयरबड्स ये लोग ने क्लेम किया 6 घंटे, मैंने इसको 80% के ऊपर चालू रख दिया था 80-90 के टेस्टिंग के लिए, तो मुश्किल से 3 घंटे चले, 3-3.5 घंटे चले, क्योंकि अगर आप 60% वॉल्यूम पर सुनते हो जो कि रिकमेंडेड है उस पर सुनते हो, तो मेरे हिसाब से आपको आराम से 5.5-5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम करते हो ना तो बैटरी थोड़ा फास्ट ड्रेन होता है, और एक बार आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हो, एक बार नहीं 2 बार इजीली चार्ज कर सकते हो पूरे ईयरबड्स को। बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो भाई 24 वोल्ट 50 वोल्ट 20 वोल्ट आपका लगा मत देना, ख़राब हो जाएंगे। बाकी IPX की रेटिंग मिल जाती है, डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट देखने मिलता है, तो वो वाला टेंशन नहीं है, आपको 2 फोन में एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है,
तो जो कनेक्टिविटी स्टेबल रहती है लेकिन नए फ़ोन के अंदर ओल्ड फ़ोन में नहीं। कोडेक आपको SBC तक क्या मिलता है, AC कोडेक अनअवेलेबल है। बाकी ऑल इन ऑल 500 रुपये में तो ठीक ठाक प्रोडक्ट लगा मुझे, सर्विस थोड़ी बेटर ऐसा लगा कि रहनी चाहिए, सर्विस का मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी जो म्यूज़िक बोलूँ तो ठीक ठाक एवरेज सा लगा, इससे अच्छा था वायर ईयरफोन्स खरीद लो, माइक भी उसमें बेटर होती है, उसमें गेमिंग भी आप कर सकते हो। 500 रुपये में आपको रियलमी बड्स मिल जाते हैं, फिर MI के डुअल ड्राइवर वायर वाले ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी, बैटरी भी ज़्यादा बैकअप नहीं है, कॉलिंग भी इतना अच्छे से काम नहीं करता, वो सब थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर आपको TWS ही लेना है तो आप इसको देख सकते हो, सजेस्ट कर सकता हूँ मैं। बाकी तो ऑल इन ऑल मेरा रिकमेंड वायर ईयरफोन्स ही रहेगा, और सबके बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और अपने दोस्तों के शेयर करना यार, बस थोड़ा सा प्रमोशन। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए, और इतना देखने के लिए धन्यवाद।